घास फूस या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं, जिससे हमारी मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। कटाव की दृष्टि से इन पूरे क्षेत्र को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, बांट कर। जैसे फर्स्ट बेल्ट में देखें तो पश्चिम घाटी के पश्चिमी और पूर्वी ढाल, इसके अंतर्गत नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, नीलगिरी, कोयम्बटूर और त्रिचूर आदि क्षेत्र शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड बेल्ट में देखा जाए तो हमारे भारत में पश्चिम में अरावली पर्वत के रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर पूर्वी राजमहल की पहाड़ियों तक है। और बात करें थर्ड बेल्ट की, यानी तीसरी पेटी की, तो उसमें पूर्वी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत शिलांग के पठार मिलकर नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में शामिल हैं। और चौथी बेल्ट की बात करें तो पूर्वी घाट के किनारे किनारे पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के आसपास महानदी की घाटी तक यह विरसित है। वर्षा बूंद रैन ड्रॉप और क्षुद्र सरिताओं रिल द्वारा होने वाला यह कटाव शुरू शुरू में तो बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब मालूम पड़ता है तब भारी मात्रा में मिट्टी कट चुकी होती है। महाराष्ट्र में किए गए प्रयोग से मालूम हुआ कि 1870 से लेकर के 1945 तक, यानी 75 वर्षों के दौरान एक मध्य गहराई यानी कि 45 सेंटीमीटर से अधिक की गहराई, सोच लो किसान भाइयों, वाली भूमि कटाव ग्रस्त होकर 45 सेंटीमीटर से कम गहराई वाली एक उथली भूमि स्लो लैंड में बदल गई। खड्ड की समस्याएं जो होती है, प्रॉब्लम ऑफ गुल्ली इरोजन, पूरे देश में उसकी भीषणता के आधार पर हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और भी बातें होंगी अगले वीडियो में, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकते और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मनोबल बढ़े और हम और भी बातें अच्छी अच्छी आपके समक्ष रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।